गोवर्धन में पीडब्ल्यूडी विभाग ने बाईपास निर्माण के दौरान 2 दर्जन फलदार हरे पेड़ काट दिए। अपनी लापरवाही का सबूत मिटाने के लिए पेड़ के गड्ढों में पानी भर दिया गया। कटे हुए हरे फलदार पेड़ों की ये तस्वीरें गोवर्धन कस्बे के बाईपास की हैं। यहाँ गोवर्धन रिंग रोड का कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया बताया जा रहा है। आरोप है कि पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार ने बीती रात जेसीबी मशीन से अमरूद और आंवले के बाग के लगभग 30% हिस्सों में लगे दर्जनों फलदार पेड़ों को काट दिया और सबूत मिटाने के लिहाज से काटे गए पेड़ों की जगह पर पानी भर दिया गया। क्या नाम है आपका? वीरपाल। वीरपाल जी, ये कौन सी जगह है? जी साहब, वो गोवर्धन की है, पाली की ठेका खेत है। ये पेड़ जो टूटे पड़े कैसे? ये जेसीबी आई रात में 2-3 जी, उनने तोड़ी और डंपर भर के जाएगी पेड़ को भर कर रहे। हाँ, कौन थे वो जी? सड़क वाले, पीडब्ल्यूडी वाले। हाँ, तो ये क्या रोड बन रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, रोड की। कितने पेड़ टूटे होंगे? 30 से करीब तो वाके हैं, अमरूद के 30-35 बैठ जाए और 10-12 वाके आमरे की और 5-6-7 हुए बिलपत्र। कितने बड़े पेड़ थे? खूब बड़े फल लगो बहुत सब बिलपत्र के, तो अमरूदों को फल लग रहा। आपको कब जानकारी थी इसकी? हाँ, वो तो कल सवेरे पर जानकारी भेजी है वो तो सर। क्या रात में किया था उन्होंने? हाँ, रात में करो। टूटे बहने ले तो गए ना, वो ले गए। हाँ, प्रशासन के लोग। हाँ, डंपर में लाल लाद के ले गए। हाँ, दो एक आध पेड़ छोड़ के जल्दी भी। ये बगीचा है? हाँ, बगीचा आपको ठीक कर ले। किसका है बगीचा? जी, शहर सैनी। आप सोच रहे होंगे जब नवीन रोड बन रहा है तो रास्ते में आने वाले पेड़ों को हटाया ही जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि एनजीटी न्यायालय के सख्त आदेश हैं किसी भी हरे पेड़ को न काटा जाए, लेकिन शायद पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को एनजीटी न्यायालय के आदेशों की कोई परवाह नहीं है। वहीं जब इस मामले के बारे में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में हो रहे कार्यों का निरीक्षण करने आए एनजीटी न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर आनंद वर्धन शुक्ला से पूछा तो कमिश्नर साहब ने क्या जवाब दिया, यह आप खुद ही सुन लीजिए। जो निर्माण कार्य चल रहा है उस पर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने रातों रात बगीचा 35-40 पेड़ों को कटवा दिया। सर, क्या मामला होगा? मेरी जानकारी में नहीं है। सर, निरीक्षण कर रहे आप हैं। कह रहे हो ना? जी, मैं निरीक्षण नहीं कर रहा हूँ। एनजीटी ने जो आदेश दिया उसकी पालना कर रहा हूँ। एनजीटी ने जो पॉइंट बताया वो देख रहा हूँ। इन्होंने एक नया पॉइंट अभी मुझे बताया है तो मैं चाहूंगा कि कल उसको भी देख लूँ। सर, अभी रातों रात हुआ और पानी चला दिया उस पर रातों रात। किसने? पीडब्ल्यूडी विभाग। किस लिए? सबूत मिट जाए वहाँ के, इस वजह से पेड़ों को जेसीबी से उखाड़ के। वजह क्या, आपको क्या लगता है किस वजह से वो पेड़ अपने घर ले गए? हाँ, पेड़ तो डंपर में डाल के ले गए सर। किस लिए, क्या करेंगे उस जमीन का? बाईपास के लिए बनाई है सर वो। बाईपास के लिए? जी। मतलब अपने खुद के काम के लिए नहीं बनाई है? जी। बाईपास किसके काम आएगा सर? एनजीटी का आदेश है कोई पेड़ नहीं। किसके काम आएगा भाई जी? पब्लिक के काम आएगा। मतलब आप ही के काम आएगा? पब्लिक के काम आएगा। और आप ही को तकलीफ हो रही है? नहीं, हमको तकलीफ नहीं हो रही है। कह रहे हो आप खुद ही? सर, एनजीटी का सड़क कैसे बनेगी बताओ? सड़क कैसे बनेगी? मेरी जानकारी में नहीं है, मैं देख लूंगा। लेकिन सड़क के लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए, कैसे आएगी बताओ? सर, जो 17 बिंदु सर एनजीटी ने दिया है। हाँ, उसके अंतर्गत तो नहीं है उसमें सर। उसमें बाईपास बनाने का है क्या कोई प्रोविजन? नहीं, उसमें पेड़ काटने का प्रोविजन नहीं। नहीं, बाईपास बनाने का है। कैसे बाईपास? बाईपास बनेगा ऐसा कोई प्रोविजन है? जी है, उसमें बताया गया। कहाँ बनेगा बाईपास? नहीं आसमान में सर, माना कि 17 बिंदु में वो बाईपास का प्रोविजन नहीं है, लेकिन बावजूद क्या एनजीटी इस बात का कहती है, इस बात को नहीं पेड़ काट दी जाए? मैं एनजीटी नहीं हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ देखने के लिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ क्या खामियाँ अभी तक पाई गई हैं और क्या कुछ यहाँ देखने को मिला है? अच्छा, खामियाँ जिसको बतानी है मैं उसे जरूर बता दूंगा, मैं जन सुनवाई करने नहीं आया हूँ। सर, वैसे अब तक के निरीक्षण में क्या रहा? अब तक के निरीक्षण में जो भी रहा, जिसको बताना है मैं बता दूंगा। देखो, मेरी सीधी सी बात है, मैं आपको जवाब देने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने सारे पॉइंट नोट कर लिए, फोटोग्राफी करा ली, वीडियोग्राफी करा ली, जहाँ सबमिट करना है सबमिट कर दूंगा। 4 दिन बाद आप कोर्ट से कॉपी लेके देख लेना। क्या, इतना जरूर है कि जनता जो चाहती वही मैं कर रहा हूँ, जो जनता की सुविधा के लिए है, जो तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए, उसमें अधिक से अधिक अच्छा अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अवैध कब्जे हट जाए, गंदगी साफ हो जाए, यात्रियों को सुविधा मिले, यही तो 4-5 टारगेट है। और हाँ, पर्यावरण का नाश ना हो, ये भी उसका पॉइंट है। सर, ये तो हम सबकी जी। सर, पार्किंग के नाम पर यात्रियों की जेब काटी जा रही है, एंट्री पॉइंट के नाम पर पैसा लिया जा रहा है। आपको पता है कि पार्किंग का कोई ठेका वेका दिया गया है?
हाँ ठेका दिया। अच्छा, गया जो पैसा तय किया गया उससे ज्यादा ले रहे हैं लोग। प्राइवेट प्राइवेट पार्किंग में सरकारी पर्चियां पाई जा रही हैं, सबसे बड़ी बात। और ऐसी पार्किंग स्थिति देखिए, तो आप यहाँ के अधिकारियों को बताओ, अगर ऐसा है तो यहाँ अधिकारी है। मेरा ये काम नहीं है कि मैं यहाँ का प्रशासन चलाऊं, मेरा काम है कि जो पॉइंट बताए गए हैं वो देख लूं कि उनका कितना काम हुआ है। आप पूछ रहे हो कितना हुआ है क्या हुआ है, तो मैं सबके प्रति जवाबदेह नहीं हूं। जिसको रिपोर्ट देनी है मैं जरूर रिपोर्ट दूंगा, उसकी नकल आपको दो दिन बाद मिल जाए। अब सवाल ये उठता है कि जो एनजीटी न्यायालय देश में हरियाली को बनाए रखने के लिए बनी है, और बखूबी एनजीटी अपना कर्तव्य पारायण करते हुए पेड़ों के कटान को रोक भी रही है, तो क्या एनजीटी कोई ऐसा आदेश दे सकती है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे, या वर्षों से लगे फलदार पेड़ों को काटने का आदेश दे सकती है? लेकिन एनजीटी कमिश्नर साहब की बातों से तो यही लग रहा है कि शायद अंदर खाने में कुछ ऐसा ही चल रहा है जिसका कि एनजीटी न्यायालय के संज्ञान में न हो। अब देखने वाली बात होगी कि एनजीटी न्यायालय इस मामले पर संज्ञान लेती है या नहीं। मंच न्यूज के लिए गोवर्धन से हरे कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट।